हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या बताएंगे, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, क्या कुछ कार्यक्रम जो है प्रदेश भर में जन्मदिन के मौके पर आयोजित किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से गौरवी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 48वां जन्मदिन है और इसे जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो इसे युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। वहीं अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो सीएम के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में चाहे वो संकल्प दौड़, युवा संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया, रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की दीर्घायु के लिए यज्ञ किया जा रहा है, साथ ही साथ अस्पताल और विभिन्न जो जगह है वहां पर फल वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, रोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि अब 17 सितंबर को, आने वाली 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, तो इसको देखते हुए भाजपा, उत्तराखंड भाजपा ने इस पूरे सप्ताह को भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाने की तैयारी की है। तो आज से इसकी तैयारी हो चुकी है और पूरा ये जो पखवाड़ा रहेगा वो सेवा पखवाड़े के रूप में जाना जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आज पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाई देने वालों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। और वही बात की जाए आज की, तो आज के दिन क्योंकि युवा के सबसे, उत्तराखंड राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, 45 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ पर सीएम की कुर्सी संभाली थी और लगातार दूसरी बार सीएम के रूप में वो कार्य कर रहे हैं और इकलौते ऐसे सीएम है एक के बाद दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वही अगर आज की बात की जाए तो बधाई देने वालों में नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई तरीके की शुभकामनाएं अभी उन्हें आ रही हैं और केंद्रीय नेतृत्व से लगातार उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। जी गौरवी जी, हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन जो है बीजेपी कार्यकर्ता युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है, उसी के अंतर्गत जगह जगह पर कई कार्यक्रम भी आयोजित पूरे प्रदेश भर में किए जा रहे हैं।